साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी खबरें आपको दिखाने के लिए उपस्थित हूं और ये लाइव कार्यक्रम है, ये आपको बता दूं, लेकिन इस समय अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर आई है। अब ये बड़ी खबर राउज एवेन्यू कोर्ट वाली नहीं है कि ईडी की रिमांड खत्म हो रही है, वो भी बिल्कुल चल रहा है, लेकिन अभी तो इसमें बड़ी खिचड़ी पकेगी और शाम तक क्या होगा ये तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस समय दिल्ली हाई कोर्ट से आई है। जी हां, बहुत बड़ी खबर, और उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा, वो पॉइंट्स जो किसी ने दिखाया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको अलग तरीके से दिखाया, आप समझिए। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक ऐसी खबर भी आपको बताऊंगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई दोस्तों, सब में पूरी दुनिया में चुप्पी साधे रहे लोग, जो लेफ्ट लिबरल गैंग या सरकारें हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी सब बौखलाए हुए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ी हुई खबर, और आप हैरान हो जाएंगे कि खबर कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। जी हां, आप इस हेडलाइन को पहले पढ़िए, अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत, सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज, जाने अपडेट। क्या लग रहा है सुनकर के कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई? लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, आप कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं लाइव आपके सामने उपस्थित हूं और मैं आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। ये राहत नहीं है, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी आफत है। आप यकीन मानिए, अरविंद केजरीवाल का भविष्य जो है वो एलजी के हाथों में सौंप दिया गया है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, आप यकीन मानिए, इतनी बड़ी खबर है। और उसके पॉइंट्स क्या हैं, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ करके एक एक शब्द जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, आप हैरान हो जाएंगे कि खबर कुछ और है और पहुंच कुछ और रही है। और यही मीडिया का खेल है, और यही आकर दोस्तों हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। खबर यह है दोस्तों कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई, कल मैंने आपको बताया था, उसमें यह कहा गया था याचिका में कि अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटा दिया जाए, यही याचिका थी। इस तरह की याचिकाएं पहले भी आई हैं, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, वो ईडी की कस्टडी में है, अब वो जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि आज तो कस्टडी खत्म हो रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद देखिएगा। लेकिन उससे पहले ये जब आया याचिका पेश की गई, तो दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने इस पर सुनवाई की, और उसके बाद इस याचिका को खारिज करते हुए जो बात कही वो सुनना बहुत जरूरी है, और फिर आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये राहत है या फिर आफत है। अब मैं आपको दोस्तों, आप जब ये सुन रहे हैं मेरे साथ, तो आप संवाद भी कर सकते हैं, आप निश्चित रूप से अपने कमेंट के जरिए ये बात बताइएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको, देखिए कहीं नहीं, बार एंड बेंच इस वेबसाइट, ये बिल्कुल लीगल वेबसाइट है, और इसमें जो बात लिखी है सीधे दोस्तों, मैं कहीं नहीं आपको सीधे इसकी खबर दिखा रहा हूं, और आप देखिए क्या लिखा है, आप हैरान हो जाएंगे। देखिए पहले पहला पैराग्राफ, अ डिवीजन बेंच ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एंड जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा सेड दैट इट इज फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड द प्रेसिडेंट टू एग्जामिन द इशू एंड द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर विद द सेम। भैया ये तो हम सब जानते हैं ना कि आखिर कोई मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा ये कोर्ट तो तय करता नहीं है, ये तो इसमें कोई छिपी बात तो नहीं है, तो लोकतंत्र है ना इस देश में, जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता इस मामले में, बल्कि विधानसभा के भीतर लोकसभा के भीतर क्या होता है ये जुडिशियरी तय नहीं करती। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन कहा क्या है उसके आगे, अब आप देखिए, इज देयर एनी स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरफेरेंस
क्या जुडिशियल इंटरफेरेंस का इसमें कोई स्कोप दिखता है? वी रेड इन टुडेज न्यूज़पेपर दैट एलजी इज एग्जामिनिंग द इशू। आज हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इस मुद्दे को एलजी साहब खुद एग्जामिन कर रहे हैं। इट विल देन गो बिफोर द प्रेसिडेंट। इसके बाद ये मुद्दा राष्ट्रपति के पास जाएगा। दैट इज फॉर ए डिफरेंट विंग, और ये एक डिफरेंट विंग है। वी अंडरस्टैंड दैट देयर मे बी सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। हम समझते हैं, ये हाई कोर्ट का कोर्ट अनकोर्ट में पढ़कर बता रहा हूं दोस्तों, कि हम समझते हैं कि देयर मे बी सम कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हो सकते हैं। वाई शुड वी पास एनी ऑर्डर्स? लेकिन हम कैसे ऑर्डर पास करें? वी डोंट हैव टू गिव प्रेसिडेंट और एलजी एनी गाइडेंस। हम एलजी और राष्ट्रपति को कोई गाइडेंस नहीं दे सकते। यह हाईकोर्ट का फैसला है दोस्तों, जो टिप्पणी की गई है। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इंपोजेस प्रेसिडेंशियल रूल। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है वही प्रेसिडेंट रूल इंपोज करता है। इट इज नॉट फॉर अस टू गाइड देम। ये हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन्हें गाइड करें। हाउ कैन वी इंटरफेयर इन दिस? हम कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? आई एम श्योर एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज एग्जामिनिंग ऑल दिस, और मुझे विश्वास है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो इसकी पड़ताल कर रहे हैं या कर रहे होंगे। बहुत बड़ी टिप्पणी है दोस्तों, बहुत बड़ी टिप्पणी, खुली छूट है। ये हाई कोर्ट भी ऑब्जर्व कर रहा, और ये जो बेंच है इसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हैं। आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल के लिए राहत है या आफत है, जिसमें हाई कोर्ट भी ये मानता है कि एक बहुत बड़ी विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है। और इतना ही नहीं, मैं आपको नीचे का हिस्सा जरा पढ़कर दिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। हाई कोर्ट का ये जो आज का फैसला है कि याचिका खारिज की गई और जो बातें कही गई। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट देयर इज नो लीगल बार इन केजरीवाल कंटिन्यूइंग एज द सीएम। हाई कोर्ट ने ये कहा कि संवैधानिक रूप से तो कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप सीएम नहीं रह सकते। आप बाबा साहेब अंबेडकर या जिन लोगों ने संविधान बनाया उनको ये थोड़ी पता होगा कि एक ऐसा आदमी भारतीय राजनीति में आएगा जो झूठ ही झूठ बोलता जाएगा, जेल भी चला जाए तो भी वो कहेगा कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे और शासन करेंगे। और इसीलिए मैं बार एंड बेंच का दूसरा हिस्सा आपको दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए क्या लिखा है। यू विल हैव टू शो अस सम बार और प्रोहिबिशन दैट प्रोहिबिट्स हिम फ्रॉम बीइंग अ सीएम। आपको कुछ ऐसी चीजें दिखानी पड़ेंगी जहां संविधान में लिखा हो कि उनको राष्ट्रप्रधान मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। लेकिन आगे की लाइन पढ़िए, ये तो राहत है, आगे आफत है। इफ देयर इज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर द प्रेसिडेंट और गवर्नर विल एक्ट ऑन इट। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर होता है, संवैधानिक संकट पैदा होता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इट मे टेक सम बट आई एम श्योर दे विल डिसाइड दिस। इसमें समय लग सकता है लेकिन मुझे विश्वास है कि वो फैसला करेंगे। द सिचुएशन टूडे इज समथिंग दैट वॉज नॉट इमेजिन्ड। देखिए, जो मैं आपको बात कह रहा था वही कहा गया है कि आज की परिस्थिति ऐसी है जिसके बारे में कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। देर इज नो लीगल बार टूडे, ये बेंच ने कहा है। आगे पढ़िए। द कोर्ट ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट इट विल नॉट गेट इन टू पॉलिटिक्स एंड द पीपल विल इवेंचुअली डिसाइड दीज इश्यूज। अब कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही दोस्तों कि आखिरकार तो ये जनता की अदालत में जाना है, वहीं तो तय होगा। वी शुड, और कोर्ट अनकोर्ट की बात बता रहा हूं, वी शुड नॉट गेट इन टू दिस पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल पार्टीज विल गेट इन टू दिस, दे विल गो बिफोर द पब्लिक, इट इज नॉट फॉर अस। हम लोगों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, आखिरकार तो जनता की अदालत में ही जाना है। और जो केजरीवाल खेल कर रहे हैं ना, ये हर कोई समझ रहा है दोस्तों। एक और छोटा सा जो डिसमिस करते हुए कहा वो मैं दिखा रहा हूं।
दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरफेरेंस विज ए विज द रिलीफ सॉट फॉर इन द PIL. The PIL is dismissed. We have not commented on the merits. बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन है जिसमें कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और यह कहा कि वी हैव नॉट कमेंटेड ऑन द मेरिट्स. हम इस याचिका की मेरिट पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब साफ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी याचिका उसको उसके मेरिट पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यह साफ कर दिया कि एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की, लेकिन आज वो पैदा हो गई है. और हमें विश्वास है कि राज्यपाल एलजी यानी एलजी और राष्ट्रपति इस पर कोई फैसला करेंगे. और एलजी अगर फैसला करेंगे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, गृह मंत्रालय. और गृह मंत्रालय तो बहुत ही सावधानी के साथ दोस्तों इसे ऑब्जर्व कर रहा है, इसे देख रहा है. लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं आपको आज एक और बड़ी खबर दिखाने के लिए आया हूं दोस्तों. और ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है, आप कल्पना नहीं कर सकते. कल भी मेरे कई दर्शकों ने ये बात कही थी, जर्मनी, अमेरिका, इन सब चीज़ों की बात कही थी. आज मैं वो रिसर्च आपके लिए लेकर आया हूँ. आप हैरान हो जाएंगे. आप सोचिए दोस्तों, इस देश में कई मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया जिन्होंने इस्तीफा भी दिया, लालू से लेकर के जयललिता, और अभी अभी बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री. कहीं आपने दुनिया में किसी कोने में आवाज सुनी आपने, कुछ भी देखा आपने? लेकिन आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल के लिए पाकिस्तान में दिन भर खबरें छप रही हैं, बांग्लादेश के लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जर्मनी के लोग, ब्रिटेन की मीडिया, अमेरिका के जो लेफ्ट लिबरल विंग है, आप हैरान हो जाएंगे. मैं पूरा रिसर्च आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, एक ऐसा नैरेटिव, आप हैरान हो जाएंगे. सबसे पहले मैं आपको टू विंडो दिखाता हूं. ये जो टू विंडो की बात कह रहा हूं ना मैं, आपको देखते ही हैरानी होगी कि हो क्या रहा है, ये कौन सी जुगलबंदी है. जानते हैं ये जुगलबंदी क्या है? 29 सितंबर 2016 को जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके 38 आतंकवादियों को मार गिराया था दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे, अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए, बड़े ध्यान से सुनिए, इनके पढ़े लिखे आदमी है ना, भारत सरकार और भारत की सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे. टू विंडो में दिखा रहा हूं आपको. और आज जब केजरीवाल मुसीबत में हैं, तो पाकिस्तान के वही लोग, उनके नुमाइंदे भारत सरकार को घेर रहे हैं. कैसी जुगलबंदी है, आपको टू विंडो में एक में बाइट सुना रहा हूं और दूसरे में हामिद मीर का ट्वीट दिखा रहा हूं. देखिए, पिछले दो तीन दिन में देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को ले लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे. दो दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई. अभी कल CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे, उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्रकार कह रही थी कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ. वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है. उस रिपोर्ट को देख के खून खौल उठा बुरी तरह से. BBC वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं. तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है. मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलकर जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसको भी बेनकाब करें. ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है इसको भी बेनकाब करें. देख रहे ना दोस्तों, देखा आपने केजरीवाल कैसे उनके उनकी इज्जत बचा रहे थे. और उसके बगल का ट्वीट देखिए, हामिद मीर एक बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान के लिए, क्या लिखा है, अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल विल बैकफायर.
he will become more dangerous after his arrest. Like हवा बना रहे हैं पाकिस्तान से कि अरविंद केजरीवाल और खतरनाक हो जाएंगे। मुझे कुछ अच्छे कमेंट भी दिख रहे हैं दोस्तों, एक आध मैं पढ़ लेता हूं। भरत पटेल साहब लिख रहे हैं केजरीवाल को आजीवन जेल भेजा जाना चाहिए क्योंकि कोई काम नहीं करता और झूठे वादे करते रहते हैं। कट्टर ईमानदार बोलने से नहीं, लेकिन मोदी जी जैसे ईमानदार से काम करने से साबित करना चाहिए। और एक हंसा पटेल जी ने लिखा, आभार आपका, कब से यही सवाल उठ रहे थे, आपने जवाब दिया। तो देश के अंदर ही इतने देश विरोधी हैं, अब तो देश में क्या होगा इसकी चिंता हो रही है। लेकिन आप देखिए दोस्तों, मैंने आज बहुत रिसर्च, पूरा वीडियो देखिएगा, इतने सारे रिसर्च आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैं लेकर आया हूं सारे देशों। आप देखिए, केजरीवाल ने सबूत मांगा दोस्तों इसी प्रूफ को लेकर। तो अब आपको मैं पाकिस्तान की कहानी दिखाता हूं एक एक करके। आप देखिए डॉन की रिपोर्ट, अब पाकिस्तान अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से घबराहट में है, खीज में है, गुस्से में है। प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना बहुत भारी पड़ेगा। और यही नैरेटिव दोस्तों आप देखिए पाकिस्तान का दी डॉन अखबार अपने लेख में फैला रहा है। दी डॉन पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण अखबार है दोस्तों। आगे देखिए जियो का, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान का हर मीडिया यही नैरेटिव बना रहा है। न्यू दिल्ली, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड इन लिकर पॉलिसी स्कैम। और देखिए उनकी गिरफ्तारी, मैं आपको डॉन की और एक रिपोर्ट दिखाता हूं, उनकी गिरफ्तारी की हर पल खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कुछ बचा ही नहीं। जो देश भूखमरी के कगार पे हो, जिस जो भीख मांग रहा है, उसको अरविंद केजरीवाल में इतना इंटरेस्ट क्यों पैदा हो रहा है दोस्त। और इतना ही नहीं, आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी है आशिक हुसैन फाक्तू, उसके साथ तुलना कर रहा है। आप सोचिए, आशिक हुसैन फाक्तू दोस्तों एक आतंकवादी है और पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर की जेल में बंद है। आप रिपोर्ट देखिए जो मैं कह रहा हूं, और आप सोचिए ऐसा तो नहीं है ना कि अरविंद केजरीवाल की पहली गिरफ्तारी हुई हो, ये तो नहीं है। इससे पहले दर्जन भर से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। और मैं देख रहा था इस मामले में अरविंद केजरीवाल की ये 16वीं गिरफ्तारी है। आप सोचिए कि कविता 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के मामले में उनको भी गिरफ्तार किया है और उनको भी 9 अप्रैल तक दोस्तों न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन कल्पना कीजिए, पाकिस्तान में सिर्फ अरविंद केजरीवाल, उसी की चर्चा हो रही है। और सिर्फ पाकिस्तान क्यों, अमेरिका, जर्मनी की सरकारें अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। अमेरिका भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, आप ये रिपोर्ट देखिए, ट्रांसपेरेंट लीगल प्रोसेस की बात कर रहा है। और यही नहीं, मैं तो जर्मनी की आपको दिखा चुका हूं, जर्मनी ने भी दोस्तों 3 दिन पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी। ये भी देख लीजिए आप, ये जर्मनी की प्रतिक्रिया है। और इस मामले में क्या हुआ, आपको बताया हूं कि जर्मनी के एम्बेसी के डिप्टी हेड जॉर्ज एंजविलर, उसको तलब करके भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने फटकार लगाई, 5 मिनट में भेज दिया, बुलाया, सुनाया, औकात दिखा दी। और इसके बाद कल अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बरबेना को तलब करके भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने पर कड़ी नाराजगी जताई। लेकिन जानते हैं दोस्तों, कोई फायदा नहीं हुआ। यहां का जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, वो जो पूरा गठजोड़ है, वो पूरी ताकत से खड़ा है। उसे लग रहा है कि यही मौका है, मोदी को हराने का यही मौका है। ये जो लोकतंत्र खत्म करने का नैरेटिव ये गैंग फैला रहा था, वो तो अभी मौका। और इस बार तो मैं देख रहा था दोस्तों, आप देखिए ये ट्वीट देखिए बड़े ध्यान से, बांग्लादेश का गैंग खड़ा हो गया है। ये कौन है, मुशफिकुल फजल, क्या है देखिए, ड्यूरिंग द ब्रीफिंग एज आई रेज्ड बोथ ऑफ दीज इश्यूज
along with the summoning of the US diplomat in New Delhi, the US reiterated its call. जानते क्या लिखा है इसने? अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये बांग्लादेश का रिपोर्टर वहां मौजूद है, उसको अपने देश की चिंता नहीं है। जानते हैं वो किस पे सवाल पूछ रहा है? वो अरविंद केजरीवाल पे सवाल पूछ रहा है ना कमाल की बात दोस्तों। बांग्लादेश का रिपोर्टर अमेरिका के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता की प्रेस ब्रीफिंग, और सवाल किस पर? अरविंद केजरीवाल पर। आपको सिर्फ पहले सवाल का हिस्सा सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। Response to India's summoning of the US diplomat over comments regarding the arrest of Delhi's Chief Minister Kejriwal, and how do you view the recent political turmoil in India, including the freezing of the opposition party's bank account, as the Amnesty International described the situation, crackdown on opposition reaches a crisis point ahead of national election? देखा आपने दोस्तों, देखा आपने, ये बांग्लादेश का रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है, और पूछ किस पे रहा है? केजरीवाल जी पे रहा है। अब मैं जरा आपको अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर उसका जवाब सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए क्यों इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया भाई भारत के मामले में। अच्छा, भारत का भी ऐसा नहीं है, एक अरविंद केजरीवाल जो पूरा प्रदेश भी नहीं है, हेमंत सोरेन में तो याद नहीं आई, और अमेरिकी विदेश विभाग का प्रवक्ता, ये लेटेस्ट आपको दिखा रहा हूं, जो बाइट दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से ये भी सुन लीजिए। कितनी बड़ी है? Vielen Dank, Herr Walker. Es ist ja in der Tat so, dass sich mein Kollege letzte Woche hier zu dem Fall eingelassen hatte. Insofern habe ich da jetzt auch keinen neuen Stand. Aber lassen Sie mich nochmal, wie Sie ja schon gesagt haben, das Thema erörtert worden ist mit der indischen Seite am Samstag. Und lassen Sie mich aber auch nochmal betonen, dass wir, also Indien und Deutschland, ein großes Interesse an einer vertieften Kooperation haben und da auch vertrauensvoll zusammenarbeiten. Insofern würde ich jetzt ungern hier aus vertraulichen internen Gesprächen berichten. देखा आपने दोस्तों, अमेरिका का एक मैं कमेंट जरूर, मैं पूरा फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन लवचंद्रा जी ने लिखा, ऐसा क्या हरीश सर ने गलत बोल दिया कि सो कॉल प्राउड ऑफ माय इंडिया ने दलाल बोल दिया? हरीश सर ने कोई बात अपने से बनाकर नहीं बोला। अब मैं जरा देखता हूं आई लव माय इंडिया ने क्या कहा है, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा दोस्तों कि चंद्रा साहब जी, आपने बहुत सही कहा। दरअसल मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो तो सामने स्क्रीन पर है, कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा, ये पूरा रिसर्च है, रिसर्च बेस्ड है। अभी तो बहुत सारे रिसर्च मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और आप भी समझते होंगे, जो जिन्होंने भी कुछ कहा है उनको ये समझना चाहिए कि इतना रिसर्च करना आसान नहीं होता, 10 घंटे लग जाते हैं इतने रिसर्च। जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वो तो कम से कम 9 घंटे का रिसर्च है, एक एक आर्टिकल पढ़ करके उसे निकालना, ढूंढना, देखना, उसको संक्षेप में करके बताना, और मैं जो दिखा रहा हूँ आप सुनिए। तो खैर, अमेरिका की बात मैंने सुनाई, अब जर्मनी की बात बताऊँ। जर्मनी ने एक बार कहा, उसके बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने उसे तलब किया, उसे बताया कि भैया गलत कर रहे हो, भारत का जुडिशियल प्रोसेस स्वतंत्र है, यहां का संविधान संवैधानिक तरीके से काम करता है। लेकिन देखिए क्या हुआ, फिर से जर्मनी ने वही काम किया। आप सोचिए, केजरीवाल के लिए इतना प्रेम क्यों मर रहा है? मैं आपको जर्मनी के विदेश विभाग का बयान एक बार फिर से सुनाता हूं, इसमें वो अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्ट भी लिखा है, देखिए आप। Ja, vielen Dank, Herr Walker. Es ist ja in der Tat so, dass sich mein Kollege letzte Woche hier zu dem Fall eingelassen hatte. Insofern habe ich da jetzt auch keinen neuen Stand. Aber lassen Sie mich nochmal, wie Sie ja schon gesagt haben, das Thema erörtert worden ist mit der indischen Seite am Samstag. Und lassen Sie mich aber auch nochmal betonen, dass wir, also Indien und Deutschland, ein großes Interesse an einer vertieften Kooperation haben und da auch vertrauensvoll zusammenarbeiten. Insofern würde ich jetzt ungern hier aus vertraulichen internen Gesprächen berichten. Degre. अब आपके मन में दोस्तों एक सवाल खड़ा हो सकता है, मेरे मन में भी आया कि भैया जब भारत की ताकत इतनी बढ़ रही है और अमेरिका से, खास करके जर्मनी तो चलिए थोड़ा सा आप इग्नोर भी कर दें, अमेरिका से जब भारत की दोस्ती इतनी मजबूत हुई है, इतनी बॉन्डिंग है, और खास करके अमेरिका इस समय इग्नोर नहीं कर सकता, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है?
भाई उसको भी पता है कि मोदी ही आएगा, आप तो कहीं भी दुनिया में बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, हाँ वो तो ठीक है लेकिन आएगा तो मोदी ही, ये तो अमेरिका भी कह रहा है। तो अब सवाल है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो इसकी वजह बताता हूं दोस्तों। इन देशों में जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उसका डीप स्टेट इतना हावी है कि वो भारत जैसे स्ट्रेटजिक पार्टनर की भी ये इकोसिस्टम परवाह नहीं करता है। और जो ये इकोसिस्टम काम कर रहा है ना, आप देखिए मैं आपको रिसर्च दिखाता हूं कि वहां के समाचार पत्र भी दोस्तों वही भाषा बोल रहे हैं। अब देखिए अमेरिका का वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, इंडिया अरेस्ट दिल्ली चीफ मिनिस्टर एज क्रैक डाउन ऑन अपोजिशन स्प्रेड्स। खबर की हेडलाइन देखकर आपको समझ में आ जाएगी, इसको पता नहीं है कि भारत की संवैधानिक सत्ता किस प्रकार से काम करती है। यह जुडिशियल सिस्टम का प्रोसेस है, यह जो गिरफ्तारी हुई है यह ऐसा नहीं कि मोदी जी ने बंद कर दिया है, संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें जाकर यह प्रोसेस चलता है और भारत की कोर्ट तो पूरी तरह से निष्पक्ष है और उसके बाद भी ये चीजें लिखी जा रही हैं। आपको मैं और दिखाता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स भ्रष्टाचार के मामले में जो केजरीवाल गए हैं उसके समर्थन के लिए भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया जा रहा है। आप देखिए अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, इंडियन ओपोजिशन पार्टी से दे फेस टाइड ऑफ ट्रबल्स एज वोट नियर्स। खबर है या खबर के साथ कोई खबर की जगह कोई एनालिसिस है, आप सोचिए। और यही हाल देखिए ब्रिटेन का गार्जियन, देखिए क्या लिखा है, इंडियन ओपोजिशन क्लेम कॉन्स्पिरेसी एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरेस्टेड। और आपको दिखाता हूं जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैं क्या बोलता हूं, देखिए एक भरत पटेल जी लिख रहे हैं, हरीश भाई आपका विश्वसनीय रिसर्च सामने लाते हैं, आपको और आपकी टीम को प्रणाम और बधाई, आपको भी। पेमा वांगडी जी लिख रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस फॉरेन डिप्लोमेट। अब मैं आपको दोस्तों दिखाता हूं भारत के लोकतंत्र के खिलाफ यही नैरेटिव अमेरिका का CNN भी बना रहा है। अब देखिए दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरेस्टेड एज ओपोजिशन पार्टी अलेजेस ह्यूज कॉन्स्पिरेसी अहेड ऑफ इंडियन इलेक्शन। और यही APN न्यूज का भी रुख है दोस्तों, देख लीजिए केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। कितना लेकर आऊं आपके लिए, मैं तो सारे खंगाल गया, एक एक अखबार को ढूंढ करके देख लीजिए। और आप तो दोस्तों वहां के अखबार को खोजेंगे भी ना तो बहुत सारे तो पैसे लगते हैं, वो तो फ्री में देख भी नहीं सकते, उसको पूरा पढ़ने के लिए आपको तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो बड़े महंगे हैं। आप देखिए ये वाला फाइनेंशियल टाइम्स, ये भी वही माहौल बना रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिटेन्स दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इज पार्ट ऑफ सीनियर इंडियन ओपोजिशन पॉलिटिशियन अरेस्टेड अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन। अब आप देखिए ब्रिटेन का BBC, ये वाला हिस्सा देखिए, ट्वीट देखिए आप, इस गिरफ्तारी को भारत में डिके ऑफ डेमोक्रेसी बता रहा है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। केजरीवाल पे कितना इंटरेस्ट है, क्यों है, अभी वो मैं आपको दिखाता हूं। BBC दोस्तों एक भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हीरो बना रहा है, आप ये हेडलाइन पढ़िए। और यही हाल कतर का आपको अल जजीरा, वो भी भारत में लोकतंत्र खत्म होने का माहौल बना रहा है, देख लीजिए दोस्तों। अब आप सोचिए, अब एक आपको डिफरेंट रिसर्च दिखाता हूं, आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर केजरीवाल क्यों, केजरीवाल के साथ ये साठगांठ क्यों, केजरीवाल के प्रति इतना प्रेम क्यों मर रहा है, आखिर वो कौन सी बात है दोस्तों। इसके पीछे एक रहस्य छिपा है जिसका पर्दाफाश जरूरी है। और हम जानते हैं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल, एक सेकेंड, हम जानते हैं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल के राजनीति में आने से पहले वो एक IRS अधिकारी थे,
लेकिन सच्चाई एक और है कि वो IRS अधिकारी होने के बाद भी एक NGO चलाते थे और इस NGO का नाम परिवर्तन था। बड़े ध्यान से देख लीजिए, इस NGO का नाम परिवर्तन था, IRS अधिकारी होते हुए चलाते थे और केजरीवाल के परिवर्तन NGO को दोस्तों अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन से आर्थिक मदद मिलती थी, फोर्ड फाउंडेशन से। और 2011 में ये बात अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में खुद मानी थी। सिर्फ आप कनेक्शंस जोड़ते जाइए, मैं आपको दिखा देता हूं। और आपको याद होगा कि 2006 में, जी हां 2006 में अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, बाद में रवीश कुमार को भी मिला। 2006 में अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और कैसे मिला था भैया? IRS अधिकारी तो बहुत हैं, NGO भी बहुत चलते हैं, क्यों मिला था? ये फोर्ड फाउंडेशन के रहमो करम से मिला था। जी हां, फोर्ड फाउंडेशन के, क्यों जानते हैं? रमन मैग्सेसे अवार्ड को फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने मिलकर शुरू किया। और फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे हैं रमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड भी शुरू किया गया है। क्यों किया गया है यह भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो फिलीपींस में रहकर अमेरिका के हितों के लिए काम कर रहा था। कनेक्शन जुड़ रहे ना? और आगे आपको बताऊं, CIA अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, CIA के डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बताते हैं दोस्तों कि CIA ने दुनिया में अमेरिका के हितों को साधने वालों का इकोसिस्टम बनाने के लिए सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करने वाली एक संस्था फोर्ड फाउंडेशन बनाया था, जिसका काम ही है कि अमेरिका के हितों को साधना, पूरी दुनिया में देखना, उस तरह के इकोसिस्टम को तैयार करना, आप समझिए। और पश्चिमी देशों का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में केजरीवाल जैसे हजारों लोगों को पाल पोस रहा है और NGO के जरिए उनकी आर्थिक मदद करता है। और जब केजरीवाल जैसा कोई व्यक्ति सत्ता के करीब पहुंचता है तो उसे हर तरह से मदद करने का काम भी किया जाता है। और इसीलिए याद कीजिए, अब मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के एपिसोड को ला करके बताता हूं। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश का नेतृत्व संभाला तो फोर्ड फाउंडेशन के काम पर ही नहीं, कई NGO पर पाबंदी लगा दी गई थी। आपको मैं सारी रिपोर्ट दिखा रहा हूं और इससे जुड़े दोस्तों कई आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिए बड़े ध्यान से। और अब ये पूरा इकोसिस्टम देश से बाहर बैठे बैठे देश के अंदर झूठे नैरेटिव बनाने के लिए पश्चिमी मीडिया का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें अमेरिकी अरबपति, मैं उसका भी नाम लूंगा दोस्तों, जॉर्ज सोरोस, उसका भी बड़े पैमाने पर पैसा लगा है, जिसका उद्देश्य वही है जो अमेरिका के डीप स्टेट का है, आप देख लीजिए। और जॉर्ज सोरोस ने तो साथ खुलकर कहा था ना कि हमारा तो लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना। और इस मामले में क्या क्या चीजें आ रही हैं ये सब कुछ आपको पता है। अब तो वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम आ गया है दोस्त, तो बड़ी सारी कहानियां हैं। अब मैं यही कहूंगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की कहानी एक केस स्टडी है, उस केस स्टडी को बड़े ध्यान से समझिए, देखिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये जो किस्सा है, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बेसब्री से, बड़ी संयमित तरीके से, जो इस देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने बहुत ही संयमित ढंग से काम करने का काम किया है। और आज जब सारे खुलासे हो रहे हैं तो दुनिया भर की संस्थाएं, दुनिया भर का लेफ्ट लिबरल इको सिस्टम जो डीप स्टेट है, वो सब हक्का बक्का है, वो खुलकर सामने आ गया है और किसी ना किसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। अब तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं पैरेलली, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वो सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, सारे खुलासे करूंगा, एक एक तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, मैं ज़रा कुछ लोगों से चर्चा भी कर लेता हूं। सत्य सनातन जी, मंजय कुमार जी, वेदांत जी, पटेल जी, प्रदीप जी,
मनोज सोनी जी सबको नमस्ते। मनोज सोनी जी क्या लिख रहे हैं कि हरीश जी मेरा कमेंट दो भागों में आएगा शायद शब्दों की वजह से, मैं नागौर राजस्थान से मनोज सोनी। हरीश जी मेरा मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ ले, पता चल जाएगा आप ईमानदार हो। बिल्कुल मनोज सोनी जी, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था वाराणसी में 2014 में, और मेरे पास उसके बयान भी हैं, मैंने पूरा निकाला था, जिसमें वो बोल रहे थे कि बस मोदी तो गए, हम ही जीतेंगे। और बाद में दिल्ली में जब चुनाव होने लगे विधानसभा के, तो माफ़ी मांग रहे थे, गलती हो गई, हम नहीं लड़ेंगे और लड़ भी नहीं पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपने अच्छा लिखा है। पुष्पराज सिंह लिख रहे हैं फर्जी खबर अभी से डाल रहा है मीडिया, तभी मैंने दिखाया आपको। नवनाथ जी, जय सियाराम, मोहन जी, लवचंद्रा जी, वेदांत जैन जी, सबको नमस्ते। और एक सैयद साहब कोई हैं, एलजी के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते, पता नहीं। अशोक गुलाटी जी, हमने तो पहले ही कहा था कि घुंघरू सेठ को कोई हटा नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट को अधिकार नहीं है, एलजी को अधिकार है। बिल्कुल आपने सही कहा अशोक जी। सतीश मेहता, केजरीवाल शुड बी सेंट टू जेल फॉर 10 ईयर्स। अब तो वो तो देखना पड़ेगा। जीबी एसबी लिख रहे हैं, हरीश भैया वीडियो के लिए आपकी रिसर्च और प्रस्तुति एकदम यूनिक है, आपकी मेहनत लगन से बना विश्लेषण गजब होता, आपको प्रणाम। नमस्ते। प्रकाश जी लिखते हैं, इस भ्रष्ट नेता के जेल जाने के बाद भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उनके हिरासत लेने पर सरकार और मोदी पर अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अब तो देखिए, ये तो कोर्ट में मामला है। प्रदीप बुबना जी, नाउ प्रेसिडेंट रूल इन दिल्ली इमिनेंट। संजय झा जी, तय सिर्फ दिल्ली में जनता की विश्वास खो चुकी। थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, बहुत सारे लोगों ने जय सियाराम लिखा है, मैं नाम कुछ पढ़ लेता हूँ। धनपाल जी, बाला साहेब जी, प्रदीप जी, शक्ति जी, राधेश्याम जी, आप सभी को जय सियाराम। मानसी सिंह ने लिखा है, श्री हरिश्चंद्र बंडवाल जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मानसी जी। श्री राम जोशी, जय सियाराम आपको। अनिल जी, ही मस्ट बी केप्ट इन कस्टडी टिल हिज लास्ट ब्रीथ, ये लिखते हैं अनिल मिश्रा जी। मारुति साबले जी, नमस्कार। रमेश मोटवानी, दिस पर्सन इज पॉइजनस एंड ट्रेटर, देखिए क्या लिख रहे हैं। भोला शर्मा, देश के अंदर देश के बाहर जो भी भारत को तरक्की करते नहीं देखना चाहते, वो कमज़ोर भारत देखना चाहते हैं, सब इसको बेचने में लगे हैं, जो भी है। भोला दत्त थालेड़ी जी, बनवाल जी नमस्कार, आई एम नो, थैंक यू आपको। नरेंद्र प्रस्ती, हरीश भाई आई एम रीडिंग ऑल कमेंट्स बट नो बडी राइट एनी वन टू केजरीवाल फेवर। बिल्कुल उमेश भारती जी, हालांकि निस्संदेह इन्होंने कर्मण्यवाधिकार अस्ते लिखा है पूरा। शिकाहा सेन नमस्ते आपको। प्रवीण दीवान जी, कुछ और कमेंट लेता हूं मैं। कल्याण मखीजा, केजरीवाल सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखिए शब्दों में आपके गुस्से को मैं प्रकट समझ सकता हूं दोस्तों, लेकिन कुछ शब्द मैं नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं वो छोड़ देता हूं, आप समझ जाते होंगे। फिर जिंदगी की उड़ान, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है सर। अच्छा, ये तो मैं चेक करूंगा भैया कि क्या साउंड की दिक्कत आई है, मैं अपनी टीम से चेक करूंगा। सुरेश तिवारी, केजरी ने जांच करवाओ। और आखिर में मैं आता हूं, संजीव मोहंती, हाउ मच मनी हैज बीन गिवन टू मीडिया टू स्प्रेड सच टाइप ऑफ फॉल्स न्यूज टू मिसलीड द पब्लिक। द हाई कोर्ट हैज नेवर टोल्ड दैट केजरीवाल रन हिज ऑफिस फ्रॉम कस्टडी। बिल्कुल संजीव जी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। स्वामी जी, दर्शन जी, सबको जय सियाराम। सुरेंद्र परमार जी लिखते हैं, दिस इज ए फाइट बिटवीन नेशनलिस्ट एंड एंटी इंडिया फोर्सेस, अर्बन नक्सल्स, वी द नेशनलिस्ट विल विन। बिल्कुल चौहान नोएडा जी, बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रदीप जी, हरिंदर तिवारी जी, सबको नमस्ते, सबको जय सियाराम।
अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में पढ़ूंगा, और बेल आइकन भी दबाइए। और साथ में अगर आपने HB मेलोडी नहीं उसको सब्सक्राइब किया है तो जरूर कीजिए, गीतों का भी आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।